अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अथर अब्बास, अथर जी स्पोर्ट्स है DHA कॉलेज। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, जो कि 30 साल से DHA में स्पोर्ट्स की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त नाम है। और इनसे मैं कुछ सवालात करूँगा स्पोर्ट्स के हवाले से और अपने हवाले से, कि कुछ मेरे बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि कितना सीनियर टीचर जो है वो कुछ आ रहे हैं। तो जी जावेद भाई, इस बारे में जो आप बात करना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कि इसको वीडियो का हिस्सा बनाऊँ और उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मैं वो वर्ड्स आपसे सुनना चाहता हूँ, वो गोल्डन वर्ड्स जो आप मेरे लिए कह रहे हैं। ये मेरे लिए एक एजाज़ है और ये मेरे लिए एक सर्टिफिकेट्स है, एक सवीनियर है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस बारे में जो कह रहे थे, काइंडली मैं चाहता हूँ कि उन अल्फाजों को मैं रिकॉर्ड करूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जावेद मलिक, आई एम स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर ऑफ डैक CVU। सर अथर अब्बास के बारे में सर मैं इतना कहूँगा कि ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सनैलिटी, ही अरेंज एवरीथिंग ऑन his own behalf, and I'm really happy कि इन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें वर्ल्ड वाइड जो है ना, मतलब दुनिया से लोगों को इन्होंने इंटरव्यू बुलाया, जिसमें लंदन, अमेरिका, UK, सऊदी अरब, दुबई और वहाँ से स्पॉन्सर्स जो इन्होंने इकट्ठे किए। और यहाँ कराची में रह के इतना बेहतरीन लीग जो इन्होंने हिस्ट्री के अंदर, इतनी बड़ी लीग मेरे अपने ख्याल के आज तक कभी हुई हो। और माशाल्लाह अथर अब्बास साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि वर्ल्ड वाइड पर्सनालिटी है इनकी, पूरी दुनिया इनको जानती है। और आजकल जो क्रिकेट पे ये तजिया करते हैं और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ही इज़ द एसेट ऑफ DHA स्पोर्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि DHA को इनकी कदर करनी चाहिए और इनके काम को सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी दुआएं अथर अब्बास के लिए, बहुत बहुत सारी दुआएं।